मुझे लगा जुगल आजकल मेरे डरने लगा है, मेरी इतनी इज्जत हो गई जुगल। जुगल ना तेरे को मेरे बोलो डर या लगता ना है? बोलो, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, तेरे को मेरे डर लगता है? सही से बताना, सही ऐसे वाला बता चल। ऐसे डर तो नहीं लगता, पक्का ठीक पक्का नहीं कह सकते, यार, इसको भी डर, एक्सपीरियंस लेना नहीं है। यार डर खत्म हो गया मेरा भी। मुझे कल से फॉर्मूला पूछने पड़ेंगे बच्चे से। मैथ्स का पेपर कब है जुगल स्कूल में? स्कूल का सेकंड को यदि इस बार एटलीस्ट स्कूल में अपने मेडेटी वालों की, और एक तो पहली बात तो चीटिंग मत करना यदि पॉसिबल है तो, सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेशर लोगे ना तभी कुछ सीखोगे। दूसरा, सारे क्वेश्चन पहले जो हो रहे हैं वो करना, लेकिन जो कुछ भी करो खुद से करने की कोशिश करना मैथ्स में तो खासकर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया सीखोगे। और दूसरा मतलब एटलीस्ट टॉप 3 मेडेटी वाले होने चाहिए, टॉप 3 में तो हो जाएगा इतना तो काम। तो सारे स्कूल वाले मेडेटी वाले हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मतलब समझा करो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि, और अच्छा खुद से करना पेपर। चीटिंग में क्या, आज तुम कर लोगे फिर तुम 2 महीने बाद चीटिंग के लिए ढूंढोगे, बाकी तुम्हारी इच्छा है। चीटिंग करना भी कितना भी बोलें होगी तो सही। ये दूसरा क्वेश्चन ये था ना बेटा होमवर्क के लिए, हाँ सर, तो तुमको पता है मैंने sin 4x को लिखा 2 sin 2x cos 2x, यहां तक कोई बेटा कोई नहीं प्रॉब्लम? सर, फिर sin 2 उसको वापस से लिखा 2 sin x cos x। आई थिंक निश्चय बोला सर, ऊपर ऊपर साइन काट दी और आपने कैलकुलेशन थोड़ी हाँ उड़ा दी। cos 2x, हाँ और ये कैलकुलेशन सर, उन बच्चों को तो समझ में आएगी जो खुद से ट्राई करके आए होंगे, मुझे श्योर पता है उनको आ गई होगी समझ, है ना। हाँ सर, हाँ सर, अब मुझे बताओ, अब मेरी आदत देखना, वो आदत ही डेवलप करते हैं। देखो यहाँ पे कॉस एक्स दिख रहे, हाँ सर, हाँ सर, अब देखो यदि तुम सोचो, देखो मैंने पिछले स्टेप में भी वही काम किया था, ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया, इस कॉस कर को मैं यहाँ पे कॉस कर आ जाएगा, इसको मैं साइंस कर लिख दूंगा। देखो मेरा स्टेप यही स्टेप के, तुमको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए ऐसे स्टेप सोचने की। नीचे सेम कॉस वही स्क्वायर कर होगा और नीचे रहा कॉस का तुमने लिख दिया 1 - sin² और कॉस उसका तुमने लिख दिया 1 - 2 sin² x। ऊपर, वो ODT बन जाएगा sin x 40। वाओ निश्चय, क्या ऑब्जर्वेशन की है निश्चय। अब लेकिन मैं निश्चय की मतलब सब ये निश्चय किया की था, निश्चय की ये गलत फहमी, हाँ बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं जैसे टॉपर बच्चे सोचते वैसे करना सीखा। सर चलो वो क्या करते हैं उसको, उसको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कैसे करूँ, टी मान के करूँ या विदाउट टी मान के करूँ साइनेस? तो बोलो विदाउट विदाउट टी, विदाउट टॉप, देखो जैसे मैं उनको भैया बता रहा हूँ, मतलब वो डिफरेंस क्रिएट करके कर सकता। वो करेंगे डिफरेंस क्रिएट करके ना। देखो मीत भैया कैसे प्रॉब्लम हैंडल करते थे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिखा मीत भैया को? अब ऐसा मत बोलना कि साइन स्क्वायर एक्स, साइंस स्क्वायर एक्स का, लेकिन ये तो वेरिएबल डिफरेंस है ना, मतलब एक्स पर डिपेंडेंट डिफरेंस है। तो यदि तुमने थोड़ी हाँ ये ऑब्जर्वेशन की देखना, अभी ये ऑब्जर्वेशन शायद तुमको भी आ जाएगी मुझे लगता है प्रैक्टिस से। देखो अभी भी वही, अभी भी देखना वही स्टेप लिखा हुआ है क्या, ध्यान से तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही बात मानूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये मैनिपुलेशन तुमसे थोड़े तुमसे आना स्टार्ट हो जाए। और मीत रुपर्ट भैया वन, इसको कोस एक्स ही रखते थे, इतनी कोई तकलीफ हुई किसी को? अभी वही स्टेप है देखो। हाँ अब सर, हाँ सर, उसके बाद मुझे बताओ, जब तुम इसको सेपरेट करोगे इनको, तो तुमको क्या मिलने वाला है? 1/4 2 cos x। cos x कौन सा, ये वाला है ना, ये तो कट गया। अब कौन है कितना, 1 - कितना? साइंस करेक्ट, और आई थिंक तुम तो इस जब इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ये कट गया, cos x / cos square x कितना हो गया, नीचे cos है हुआ। हाँ तो sec x इधर, आई इतना मजा आ गया तुमको। अब मीत भाई ये के हाँ स्टेप बताता हूँ, वो इसको 2 से डिवाइड, 2 से 2 2 बाहर निकाल लेते थे, तो 2 बाहर निकाला तो ऊपर का 2 कट गया, तो सर, अब वो टीवी वो ना, वो इतने बड़े हो चुके थे ना, तुम भी ये अभी छोड़ दो, तुम मन में सोचा करो, टी मान लिया और इसका क्या हो गया, ln sec x + कितना हो गया? अब देखो सर बस तुम अब बच्चों वाले हरकतें मत क्या करो, ये सारे इसको टी माना, dt तो √a² - t² का फॉर्मूला लगता हो नजर आ रहा है,
सॉरी वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अरे ये फॉर्मूला याद है ना, वन बाय टू ए, वन बाय टू ए होता ना, तो टू ए, ए की वैल्यू वन बाय रूट टू, वन हो जाए, अरे निश्चय मेरे मैथ खराब करेगा, अरे हाँ वन बाय रूट टू, ए की वैल्यू वन बाय रूट टू, वन बाय टू तो कितना होगा, वन बाय रूट टू रहेगा क्या, एल एन ए का साइन पॉजिटिव टी प्लस ए, देखो मैं अभी स्टेप खाना स्टार्ट किया हूँ, समझ में आया कुछ, स्टेप खाना कैसे बोलते हैं, हाँ सर, हाँ सर, चमक गया, आंसर तो मैच हो गया सर, आंसर तो मैच होगा, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है बेटा, देख आंसर सब जगह मैच होगा, तू इसको गूगल कर, यूट्यूब कर, लेकिन बस छोटी-छोटी चीजें ना, मैं मतलब अपने मतलब मेरे को जो कुछ कुछ मेरा मेरी फेवरेट क्या है, ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये तुम थोड़ा भी लाओ आदत, डेवलप करो बस, हाँ सर, तब जाके तुमको ना, अभी नहीं तो तुम फीडबैक क्या सुनते हो, जेई का मैथ्स का पेपर लेंथी है, लेंथी है, मैं पिछले तीन साल से तो मेडिटी में सुन रहा हूँ, वो प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चा वो कैलकुलेशन वैसे ही करना चाहता है, चालू करें आज की, ये लिख लिया क्या, लिख लो कॉपी में, नोट्स में डाल लेना ये, अभी बेटा जो अपन नेक्स्ट जिस पे करेंगे ना वो है मिसलेनियस, मतलब कुछ भी वो टाइप के सवाल तुमको जेई मेंस में पक्का मिलेंगे, पक्का मतलब 100%, पुतुर पुतुर ये कौन बोला, लिख लिया, हाँ सर, हाँ सर, चलो फिर तो नेक्स्ट, अभी बुद्धि लगाना जितनी भी लगा सकते हो, मतलब अब सिर्फ बुद्धि वाले गेम बचे हैं, अब इसमें लिखने में ऐसे गंदे प्रॉब्लम होंगे लेकिन पेपर में करने पड़ेंगे, और मैं तुमको आदर इसके बारे में डायलॉग भी मार चुका हूँ कि कैसे करना चाहिए इसे। कोई किसी के पास आइडिया है, ये पावर देखते एक आईडी जनरेट करना सीखो, देखो नहीं निश्चय ऐसे देखो, अभी मैं भी राइट भी हो, मैं तेरे को चीज बताना चाह रहा हूँ, ये पावर देखते ना 3/2, तो तुम ये सोचा करो कि ब्रैकेट से ना ये पावर जो जैसे पी बाई क्यू है, तो तुम सोचा करो कि पावर जैसे यहाँ पे 2 है, या तो तुम एक्स स्क्वायर बाहर निकालने की कोशिश करो, या एक्स की पावर 4 बाहर निकालने की कोशिश करो, सोच पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है, और मेरी आदत है मैं हाईएस्ट पावर से शुरुआत करता हूँ, एक्स की पावर 4 से बाहर निकाला तो बाहर क्या निकल के आया, तो यहाँ पे एक्स की पावर 5 बन गया, सोचो एक बार, और एक्स की पावर 4 बाहर निकाल दी, देखो यहाँ तो कुछ फील हो रहा है, 3 नहीं बनेगा बेटा, देख 4 12 बाय 2 6 12, अरे सॉरी, ठीक है, यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर, अभी सर देखो अपंग सर की साथ रहते तो मैनिपुलेशन इसी सवाल में करना करता हूं, सर ने -4 ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, कोई बताएगा, मेरी आदत अंदर वाले को ड्यू मानेंगे तो ऑडिटी हो जाएगा, लेकिन ऐसे गंदा नहीं बोलना, अभी देखो मैंने तुमको वही मैं चाह रहा था, तुमको f(x) की पावर n, बात तुम सही बोल रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मोदी स्कूल वाला आंसर दे रहे हो, मोदी इस तरह की सही बोल रहे हो, लेकिन सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
तो अभी बताओ मेरा डायरेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स की पावर कितनी है मेरे पास, माइनस थ्री बाई टू या थ्री बाई टू? माइनस थ्री बाई टू. माइनस थ्री बाई टू. तो माइनस थ्री बाई टू का एंटीशन कितना होता है? माइनस टू. माइनस टू माइनस वन बाई टू. माइनस हाफ. तुमको लगता नहीं मुझे डायरेक्ट ये कर देना चाहिए, और कुछ भी आएगा साथ में, माइनस वन बाई टू आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, वन बाई टू. देखो स्टेप मैंने तो स्टेप सिंपल सी बात बोला, और जब जब मैं नहीं खाऊंगा ना तो तुम भी नहीं खाना स्टार्ट करोगे, वो इंटीग्रेशन में मस्ट है. दोबारा से समझाऊं सोचने का तरीका, किसी को है तो मेरे से पूछ लो. विद्या क्लियर है? विद्या अलीशा प्रथम? यस सर. और कोई मेरे को? मैं वीर. नहीं आया? किसान क्लियर ना बेटा? हाँ सर. तो बस ये अभी डेवलप करनी है अपने को. टी वहां पे मानना करो जहां पे बहुत ज्यादा तुम कंफ्यूज हो रहे हो खुद. तो निश्चय ये टी वाले आते कब छोड़ेगा, प्रैक्टिस में छोड़ेगा कल से? हाँ सर अभी से छोड़ दूंगा. पता नहीं अगले क्वेश्चन में मैं भी टी लेके यूज कर रहा हूँ तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना. हाँ मतलब तुमको लगता है कि यदि टी के बिना मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है तो फिर तो मान लो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था. मतलब वो ओरली फिर दिख जाता है तो पूरा फिर वो बेटा अपनी स्किल डेवलप नहीं होती बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको टी मान लो तो माइनस फोर बाई एक्स की पावर फाइव डी एक्स, चाहे माइनस फोर से मल्टीप्लाई करो ना करो अपने आप ही हो जाता वो. सोच पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर. बस वो अननेसेसरी दो स्टेप तीन स्टेप तुम फिर लिखना स्टार्ट करोगे, और जब जेईई मेंस की प्रॉब्लम आती है तो केमिस्ट्री में तो क्या होता है इनऑर्गेनिक में टिक किया दिखते ही टिक हो जाता है, ऐसे मैथ्स में भी कहा सवाल होना चाहिए ना. मुझे क्यों लगता है इस साल के बच्चे पहली बार जब जेईई का पेपर देखेंगे लिमिट्स का सवाल ढूंढेंगे, ऐसा मैं मेरे मन में क्यों आता है? सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर. यार कोई कोई लिमिट तो देखेगा ही नहीं. नहीं नहीं लिमिट्स तो ढूंढने लिमिट तो अच्छा है. कई बोलेंगे पूरा साल किया है क्या लिमिट्स पढ़ी हमने. एक्सपेंशन भूल गए याद हो तुम्हें लॉग वन प्लस एक्स का याद है किसी को? हाँ सर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री. अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना ऑर्डर में? ये अभी किया वो 92 था. ये वाला 91 था है ना? इजन पी ब्लॉक याद कर लिए बेटा? हाँ सर. अच्छे से करना, और एक दूसरा तेरा कोई इतने बड़े टिक मत करना, तेरे आसपास वाले पेपर देख लेना. हाँ सर. अरे वो तो ओएम मारोगे ना? हाँ लेकिन वो ओएमआर भी देख लेंगे ना. नहीं नहीं एक्चुअली फिर क्या होता है वो उसका दो नुकसान है, एक तो वो उसको आदत पड़ जाएगी जो भी चीटिंग करेगा, दूसरा उसने मेहनत नहीं की और फिर गलत था. हमने अब इस सवाल को देख के क्या थॉट आता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? सर वो ln x + 1 + x² इंटीग्रेशन, लेकिन वो ln में आता है वो ln. चलो तुमको कोई इरेशनल पावर दिख रही है? सॉरी इरेशनल नहीं, रेशनल पावर दिख रही है? रेशनल पावर ऐसे x² 1/2 दिख रही है ना अंडर रूट में? हाँ, यदि पंकज सर होते तो वहाँ रूट से क्या निकालते? चलो ये बताओ डायलॉग. एक्स स्क्वायर. रूट से बाहर क्या निकल गया था? एक्स. और पूरे में से एक्स बाहर निकल गया तो क्या क्या बनता? एक्स क्यूब बनता. तो कहीं पंकज सर को 1/x² बनता हो भी नजर आता तो साथ में पैरेलल में? डायलॉग्स पे काम करते हैं ना ये, ऐसे सवाल है जिसके लिए कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये जेईई मेंस के जेईई मेंस के फेवरेट सवाल है. देखो मैंने क्या किया, किसी को समझ में आया कि क्या बोल गया मैं?
मुझे बताओ निश्चय भावुक को कह रहे छोरा तो निश्चय अब निश्चय बोला कि सर यहाँ पे टीवी टीवी से भी कर सकते हो इसको बस मेरे को कहना ये रूट गायब करना है रूट के अंदर वाले आइटम को क्या मानते हैं पंकज सर यदि कुछ सवाल ना हो रहा तो स्क्वायर चलो अब तुम्हारी हरकतें भी कर देता हूँ माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt यहाँ तो किसी को कोई तकलीफ नहीं सर तो मुझे बताओ इस पिंकी दीदी का क्या नाम हो गया माइनस टी डी टी ना हाँ, और ये कितना हो गया बेटा सोचो तुमको लगता नहीं कितना सेक्सी आंसर आया वो नीचे अरे 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 क्या कर दिया मैंने मैं लीनियर कैसे ले लिया वन प्लस कितना आएगा वन प्लस टी हो जाएगा हाँ, प्लस माइनस अब ये अब हर्ष हर्ष के डायलॉग से ही बोलो प्लस वन और माइनस वन कर देगा हर्ष तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन 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 का इंटीग्रेशन टी माइनस टी माइनस एल एन वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एक माइनस होगा ये माइनस हाँ सर एल एन वन प्लस टी और आई थिंक अब तो तुम्हें टी की वैल्यू रखने की आदत पड़ गई है कई बार बच्चे बोर्ड के एग्जाम में टी की वैल्यू नहीं रखते जो फिर मेरे को कभी कभार गुस्सा आता है पूरा करने के बाद भी टी क्यों रखते फिर बोलो ओ भूल गया था किसान की जैसे डायलॉग होते फिर बड़े गलत कर दिए टी सही है सही वाले रखे ना मैंने हाँ सर तो ऐसे पावर देख के निकालने की कोशिश करो कभी कभार देखो इसमें तो क्या दो जैसे इस सवाल में देखो चार पावर निकालने की कोशिश की ऐसे कभी कभार होते स्क्वायर निकालना पड़े लेकिन बस टू के मल्टीपल में पावर निकालो जो भी पावर जैसे थ्री बाई टू है तो ये पावर कैसे निकलेंगी इसके मल्टीपल की पावर निकालो और बाकी थोड़ी मैनिपुलेशन और यही 92 से लेके 95 6 तक ये तुम जेई मेंस के पेपर से एक दिन पहले भी देख के जाओगे ये क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सेम टाइप का उसमें ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे लिख लिया यस सर यस सर यस सर बड़ी फास्ट लिखा तुमने आज पांच लोगों का लिखने किसी ने ऐसा जिसने नहीं लिखा नहीं सर अब मैं तुमको टाइम दूंगा मैं अभी डिस्कस करूंगा नहीं मेरे को भी बहुत जल्दी हो जाती है पता नहीं कि अब मैं बहुत टाइम देने वाला हूँ ठीक है लेकिन मैनिपुलेशन करना अच्छे से अब मैं टाइम दे रहा हूं सोच रहे हो ना क्या कैसे सोचना चाहिए सर उसमें नीचे वाले में से x स्क्वायर कॉमन निकाल के फिर उसको t मान लेना है नीचे वाले से x स्क्वायर कॉमन निकाल के उसको t मान लेना है
कुछ तो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा बस कम से कम मिनिमल कैलकुलेशन होनी चाहिए सर। हाँ बेटा सर, वो ये 1/2 into ln और फिर root of 2x square minus ln तो आंसर आ ही नहीं था ब्रो। ना सिर्फ root of 2x square minus 2x plus 1। बताओ रूट देख सर क्या करेंगे, यदि जेई का सवाल है और सर को कुछ कुछ सीधा रूल नहीं दिख रहा, सर क्या करेंगे? रूट देखते क्या बाहर निकालने की कोशिश करेंगे बताओ, ये पावर देखते 1/2 देखते x कर, जैसे बाहर निकला तो बाहर क्या निकल के आएगा रूट से बाहर? बाहर निकल गया, x स्क्वायर से बाहर निकल गया x आया तो x क्यूब बन गया, और सर ने ऊपर वाला x क्यूब ऊपर दे दिया। देखो क्या तुमको ये समझ में है क्या हो गया न्यूमरेटर में? हाँ सर। हाँ सर। और डिनोमिनेटर में देखो एक बार, जस्ट एक बार घूर घूर के देखो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये जेई मेंस के पीवाई क्यूब उठा के लाया मैं क्वेश्चन, आज खुद से नहीं बना के लाया। और देखो तुम्हारे सर ने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया होगा? एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स जिसे दिख रहा है 2 root fx होगा? हाँ सर। root 2 भी कट। देखो तुम्हारे को मैं इंटीग्रेशन में चस्का चढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन काइंड ऑफ नशा है बेटा, सही बात बताता हूँ। दोबारा समझाऊं कोई स्टेप? और यही जेई मेंस की खासियत है, वन लाइनर क्वेश्चन देगा, 1, 2 या 3 लाइनर। अगला क्वेश्चन लिखूं? यस सर। और मत कितनी जगह में हो जाएगा इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो तुम्हें भी इतना ही सॉल्यूशन देना है, ठीक है? और ये सब जीए मीन्स पी वाई क्यू है, तुमको शीट में मिलेंगे बाद में जी मीन्स वाले एक्सरसाइज में। ट्राई करो करो ट्राई। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 1/x² + 3। शाबाश, क्या किया जुगल? ये ऊपर वाले के जैसे नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर एफ डैश एक्स कॉमन, मतलब एक्स की पावर 4 कॉमन लिया या एक्स स्क्वायर कॉमन लिया? एक्स स्क्वायर। हाँ देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, देखो उसने सही दिमाग लगाया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर क्या बन के आ गया? एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ आया एक्स, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया? एक्स क्यूब, और ऊपर दे दो तो कितना हो गया? माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब। मैंने कोई गलती तो नहीं, सही है? अभी देखो अंदर में क्या बचा, एक्स की पावर 2 कॉमन ली थी ना तुमने, तो वो प्लस 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, बीच वाला ना, बीच वाला। हाँ तो तुमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से कर दिया। अब तो तुम्हारे वो भी फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो गए, एफ डैश एक्स बाय रूट एफ एक्स कितना होता है? रूट एफ एक्स। टू टू भी कट गया,
देखो जेई मेंस की हरकतें कर रहा हूँ, जेई मेंस के फेवरेट है टेस्ट सीरीज में। तुमको कोई भी अपन मैं तुमको भी दिवाली के आसपास ना कोटा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे इंटीग्रेशन में, जिसमें ना कोई बाय पार्ट्स लगना होगा ना फ्रैक्शन पार्ट, सिर्फ घुमा फिरा के थोड़ी देर बाद सब्स्टिट्यूशन लगता नजर आएगा। डन डन एंड डन। यस सर। चलो क्यूश, तेरे को में से डर लगता है? हाँ सर। सबसे ज्यादा किस से डर लगता है, पीसीएम में या मेडिटेट में? प्लीज मेरा नाम मत बोलना। हाँ नहीं बोल सकता, चल ऑनेस्ट रहते हैं। नहीं मुझे सबसे डर लगता है इक्वली। यार ये तो तूने तो मेनू निश्चय, तेरे किससे फटती है? सर आपसे। ए तो बदनाम कर रहे मेरे को। नहीं ऐसे मतलब पंकज सर तो गुस्सा ही नहीं करते, पंकज सर किसी को तो मारते ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं बच्चों को मारते कैसे। तुम तो यार मुझे बदनाम कर रहे हो अभी। कल से मैं मारना स्टार्ट करूंगा ऐसे मेरे को। मैं बोल रहा था आपसे सबसे ज्यादा नहीं लगता ऐसे, ऐसे बोलना उसका नेगेशन लेने का जो मैंने बोला। हाँ सर। अब सर आप बोलोगे कि डर नहीं लगता तो डराना पड़ेगा, कल से वापस मारूंगा मैं। कल वैसे तुम्हारी सुबह मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं है ना? अरे तुम्हारे वेक्टर के मॉड्यूल आ गए हैं, ठीक है परसों वो 3D के भी आ जाएंगे। परसों मैं सोच रहा हूँ अपन रिकॉर्ड बनाते हैं 7 से 12, 5 घंटे लगातार। रहने देते हैं ना सर, कुछ तो छोड़ देते हैं अभी इस साल, कितने रिकॉर्ड बनाएंगे। 5 घंटे में वेक्टर पूरा निपटा दिया एक एक क्वेश्चन के साथ। ट्राई मारो ना क्वेश्चन को। हाँ सर। x मल्टीप्लाई में है कि x रूट है? 1 बाय पावर भाई। नहीं पावर में नहीं, x इनटू समथिंग है ना, x इनटू रूट में है, रूट है रूट। सर। हाँ बेटा। सर वो ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है या ax प्लस b? ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ओके। जेई मेंस पीवाई क्यू क्वेश्चन है ये। सेम पैटर्न पे करना जो अभी जिस पैटर्न पे अभी हिल रहे थे क्वेश्चन, जो भी दो करा के टाओ ना सेम टाइप के। सर। हाँ बेटा। अच्छा ऑलमोस्ट हो गया सर, नहीं हो रहा। सर वो सी स्क्वायर माइनस टू ए बी वो कट रहा है, एक्स कॉमन लेंगे तो। चलो मुझे 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 रूट से क्या बाहर निकालने की इच्छा होती है ऐसे देखते, एक्स स्क्वायर बाहर निकालने की इच्छा होती है? हाँ सर। अच्छा नीचे यहाँ से होल स्क्वायर है ना, तो इधर एक्स स्क्वायर इधर से क्या निकालेगा, एक्स निकालेगा एक्स स्क्वायर निकालेगा? एक्स इधर से तो एक्स, इस ब्रैकेट से तूने एक्स बाहर निकाला है ना, तो, हाँ, तो इस इसके पास एक्स स्क्वायर आया। हाँ, और पूरे रूट से बाहर निकलते निकलते वापिस एक्स हो गया। एक्स तो पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और शायद तक तुम मेरी बातों में आ गए ना, देखो यही होगा ना। हाँ सर। और तुमने इस ब्रैकेट से क्या निकाला था, एक्स निकाला था। आई थिंक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हाँ सर। मुझे तो हो गया।
इसको मन में सोचो, इसको टी माना, ये पूरा क्या बन गया डी टी। ऐसा मत बोलना कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ये तो नहीं बोल रहे ना कोई बच्चा। नहीं नहीं, इसको तुमने टी माना, इस एक्सप्रेशन तुमने टी माना मन में, तो ये डी टी हो गया। हाँ, तो डी टी अपॉन में सी स्क्वायर माइनस अंडर रूट में सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्या किसका फॉर्मूला होता है? तो सही में डरता है रे। अरे ये वाला सर, साइन इनवर्स सर, टी बाय सी प्लस, इसके आगे वन बाय कुछ नहीं आता। दिखने में देखो कितना गंदा था, लेकिन ये जेई मेंस की हरकतें देख लो अभी। अपना जीएन बर्मन में लास्ट क्लास में कहां तक बोला था मैंने बेटा, मैंने जो कल मैं डिस्कस करूंगा ना, यहां तक करूंगा ये वाली प्रॉब्लम्स। जिन्होंने ट्राई करके तो ठीक है, जिनके पास जिनके स्कूल एग्जाम में वो बस, उनको मैं पता हूँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को मैं लिमिटेड प्रॉब्लम दे दूं। जिनके जी एन बर्मन की ये मैं कल यही डिस्कस कराऊंगा, तो देखो मैं कितने कम प्रॉब्लम दे रहा हूँ। गाली तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं सर। हाँ बस ये चलो अल तुम्हारा होमवर्क उनमें से ना सब, ये भी अच्छी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनकी इनकी अच्छी प्रॉब्लम ये है, तो कोई बच्चा ये भी कर सकता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो ये कर लेगा। जिसको लगता है ये डाउट्स होंगे ना, मतलब इन प्रॉब्लम के ये डाउट्स कौन से बनने वाले हैं, ठीक है एक घर के लिए चैलेंजिंग प्रॉब्लम देता हूँ जिसमें तुम दिमाग लगाना। देखो मैं टाइम नहीं ले रहा आजकल, मैं सिर्फ 45 मिनट पढ़ाया करूंगा। खुश, ये एक घर की अच्छी प्रॉब्लम है लेकिन विदाउट यूज गूगल। इसमें वो जो अभी क्या उसका उल्टा होएगा, मतलब कर सकता सोच, ऐसे मैंने फोर बोला अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब फाइनल एग्जीक्यूट करके मुझे आंसर करना, लेकिन पेन चलाना और पेन बट मिनिमल पेन जितना रिक्वायर्ड है। तो हाँ सर, जो मेरे एनवीएन वाले भाई बंद जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम, जो डमी वाले हैं वो तो प्लीज पूरी ट्राई करें, ठीक है? हाँ सर। जो एनवीएन किड है, एनवीएन किड्स ये ट्राई कर ले। कितने क्वेश्चन हो गए? देखो जी एन वर्मा सर ने 8 क्वेश्चन दिए, उसमें बस 7 डाउट होने चाहिए मिनिमम, ठीक है मैक्सिमम सॉरी। तो अभी और जो जेई मेंस का दोनों बैच है, मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला, वो पैराबोला की एक्सरसाइज 1 शीट लगाना स्टार्ट कर देना, खासकर डमी वाला। इवनिंग में मैंने लाइट ही दी है, 5-6 सवाल दिए। अब मैं बहुत कम होमवर्क देता हूँ, मेरे से मैं तो मारता भी नहीं हूँ, मेरी इमेज खराब कर दी तुम लोगों ने, मुझे साधु संत की जिंदगी चालू करनी पड़ेगी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको मार के क्या मिलेगा? प्रशांत है ना, संन्यास ले रहा सर। संन्यास तो नहीं है, प्रशांत जैसे बच्चों से मिलता तो मुझे लगता भगवान के दर्शन के, मैं उनको मारता थोड़ी हूँ। प्रशांत मैं मारता हूँ? नहीं सर। हाँ सर। बेटा कभी 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 सर का हाथ उठता है, ऐसा कभी होता है? नहीं नहीं सर। ये अब निश्चय से दांत क्यों निकल रहे हैं? अरे सर जलन हो रही है। मैंने तो अभी, मुझे तो कभी अभी मैंने होमवर्क में 8 क्वेश्चन दिया। दुबे सर से पूछो को कितने होमवर्क देते हैं, सही सही बता रहा हूँ। दुबे सर कितने देते हैं? 80-100। हाँ सर 150 है आज। क्या मेरी क्यों जला रहे हो? अबे ये बोलना नहीं होता है। 150 योगी के क्या? हाँ
वो तो सर थोड़े इससे इजी होते हैं तो हाँ फिजिक्स होगी मतलब वो होता है तो क्वांटिटी होती है उसमें जैसे मैथ्स की होगी तो बहुत टफ होती है ऐसी बात कर रहे हो तो यार अभी क्या खाना वाना खा ली तुम लोगों ने यस 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 सर अपन एक कोटा फैक्ट्री के आधे एपिसोड तो देखेंगे एक क्लास में ऐसे जूम पे लाइव तो ये तुमने वो तो देख लिया होगा किसी ने तो आधा अच्छा ये आईपीएल में प्लीज टाइम वेस्ट मत करना प्लीज प्लीज टाइम पता तुम्हारे एग्जाम के तुमको होमवर्क इतना कम है तुम पता तुम आईपीएल देख रहे हो फुटबॉल का मैच देख रहे हो कोई देखता है आईपीएल नहीं सर नहीं सर देखता होगा ना तब भी मेरे को नहीं बताएंगे नहीं तो मैं तुम्हारी टाइम एक्टिविटी वापस चालू करने वाला हूँ कब चेक करूंगा संजय को चमक गया देखो मैंने तुम्हें 45 मिनट की क्लास में तुमसे 10 मिनट तो बातें करता हूँ 15 मिनट से एक परेशान दिन बच्चों को समझा दे कि 15 से कभी नहीं मारते ये पता नहीं कौन सी गलत फहमी में जीते हैं बोले बोले प्रशांत को मारते हैं मैंने प्रशांत से मैं मुंह पे बोलवा दूंगा और किसी का बर्थडे बर्थडे नहीं आ रहा है क्या वीर पॉपट से तो मैं निकलवाऊंगा पॉपट तुम जूस है सीधा है या मुझे पाजी वाले हरकत यूज करनी पड़ेगी पाजी को तो सर आपने उकसा के ले ली तू क्या कहना क्या था निश्चय निश्चय तू कहता क्या था कि पाजी देना मेरे को पार्टी नहीं देना चाहता था अरे मतलब आपने उसको ऐसा बोला ना कि भटका रहा तू पाजी को ए वही पाजी ये तो मतलब कोई बात यार ऐसा पार्टी ऐसे तो कर मैं तो अभी यार क्या बोलो अभी और वीर वीर का है वीर के बाद नहीं आ रही वो है नहीं मीटिंग वीर का बर्थडे कब है सर उसको बोलना ऐसा कंजूस पोपट कभी नहीं देखा ये उदय का भी बर्थडे है ओ इस जुगंदर को पार्टी में जाना होगा बेटा सर हर्ष का भी है मार्मिक का भी है ओ भाई ओ भाई चार चार पार्टी है फिर और वो प्रथम का आएगा यस सर तू मेरे को पार्टी देगा ना बेटा सर को ऐसे या तू वो एलन वाले सर को देगा अपने वो क्या नाम है उसका वो तो इधर है नहीं सर तो उनको नहीं दे सकता पार्टी होते तो फिर उधर उनको मैं बुला लूंगा बेटा से तो सर अब आपको ही पार्टी देनी होगी ये तो क्या है सर देनी होगी मजबूरी में देर ऐसा लग रहा है नहीं वो टोंटी मार रहा मेरे को मैं भी इसको कल ना फॉर्मूला पूछ के सेट करूंगा मेरे से मैं पार्सलिटी करता हूं ना इसे ये भी कर रहा अभी देख इसको मेरे को एक दो बच्चों को ठोकना है उनको ठोकू कैसे नहीं समझ में आ रहा है मेरे को ठोकना नहीं पे वो समझा मैं तो मारता ही नहीं तुम्हारे भी एलविन में एग्जाम के पास कोई क्लास नहीं होती क्या नहीं इस बार नहीं है चलो ये अच्छा है तो कल का मैथ्स का पेपर होगा ना मैथ्स का तो बाकी लोग मिलते हैं ये चार ये वाला क्वेश्चन करना टोटल कितने क्वेश्चन 3, 6, 7, 8 चैप्टर ये एंडिंग में हालांकि एक हफ्ता लगा दूंगा मैं धीरे पढ़ाऊंगा चलो ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए एलविन वालों को थैंक यू सर बाय सर बाय बाय सर बाय